देयर इज नो वर्ड ऑफ वॉर. देखिए देखिए देखिए, इन इंसिडेंट की बात होती है. इफ इज एम्बिशियस तो ठीक है, सर को एम्बिशन होता है. अगर उन्होंने कुछ वो चाहते हैं मेरे साथ कोई उनको, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई, आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ हिम. बट ही प्रॉब्ली वॉन्ट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस. लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वॉज रॉन्ग. उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी. पार्टी जो लड़ रहे हैं उनके उन पे पड़ेगा. क्या इलेक्शन के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है सर उनके खिलाफ? इट इज़ फॉर द सेंट्रल नाउ लीडरशिप टू टेक नोटिस ऑफ दिस. जो अखबारों में मैंने देखा है कि उन्होंने नोटिस लिया है, एंड दे विल प्रॉब्ली आफ्टर दिस इलेक्शन. अब अभी तो एक दो दिन तो इसी में फंसे रहेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे जरूर. आई एम श्योर दे विल लुक एट इट. सर ओवरऑल चुनाव के, बिकॉज कांग्रेस पार्टी डज नॉट बिलीव इन इनडिसिप्लिन. मैंने बहुत देखा है, मुझे 50 साल हो गए, आई हैव सीन इट, एंड दे will not accept things where you can damage the party. Otherwise, you are free to say what you want. पर जहाँ से कोई पार्टी को डैमेज करे वो गलत बात. हम जो चाह रहे हैं लीडरशिप, वो चाह रहे हैं वैसी वाली लीडरशिप जो किसी को गालियां दिखा के, किसी को छोटा दिखा के लीडर ना बने. हम चाह रहे हैं कि हम मैच्योर लीडर्स की तरह अपने काम के बारे में बात करें कि जितनी टर्म हमें मिली उसमें हमने कितना काम किया. हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ता है, तो जो भी लोग तुम्हारी पार्टी में, चाहे एक छोटा लीडर हो, चाहे एक बड़ा लीडर हो, चाहे एक बहुत बड़ा लीडर हो, जो अपनी अपनी पर्सनल उसके लिए या पैसे के लिए किसी से, या अपनी पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए अपनी पार्टी को धोखा दे, तो वो डिजर्व नहीं करते वो लोग अपनी पार्टी में रहना. कौन लोग हैं? देखो वो लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग हैं. मैं आपको बोल रही हूँ कि छोटे कार्यकर्ता से लेके, जो दूसरी पार्टी से पैसे लेके आज अपनी पार्टी से छोड़ के गद्दारी करता है, अगर वो अपने एमएलए और अपने मिनिस्टर्स की वो लेना चाहते हैं परफॉर्मेंस, तो अगर लोग हमें नकारते हैं तो इसका मतलब सीधे सी बात है कि सीएम साहब हमारी परफॉर्मेंस अपराइट नहीं रही, कि हम लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए, तो इसलिए लोग थे. अदरवाइज 2 साल में अगर हमने काम किया है तो हमारी क्लीन स्वीप आनी चाहिए, 13 से 13 आनी चाहिए. मैं उस वेले स्टेज पे सी और मैं वाजे तौर पे थोनू दस सकदा हां कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़ा बयान दिता सी या वो तकरीर कीती सी, वो ए सी कि जिन्हां लोकां ने पंजाब नू तबाह कीता, जिन्हां ने बर्बाद कीता, उन्हां नू आपां राजनीति दे विच हार देनी है, शिकस्त देनी है. नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस पार्टी ते या अपने चीफ मिनिस्टर ते कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं सी, हालांकि प्रेस ने ये तोड़ मरोड़ के लाता. जे इहदी कोई फर्दर तुसी क्लैरिफिकेशन चाहुंदे हो तो ये नवजोत सिंह सिद्धू खुद दे सकदे, मनप्रीत नहीं दे सकदे.